इसको ऐसे कॉपी करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी कमांड से रिलेटेड हमारा वीडियो जो है वो यहाँ पे रेडी है। असल में मैं जरूर वीडियो के साथ, तो भाई लोग आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी 3D वीडियो। तो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं चैनल करते हैं सब्सक्राइब, तक अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैं ChatGPT को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपकी जो जहन में है, जो आप जनरेट करना चाहते हैं आर्टिकल, जहर सी बात है आपने सबसे पहले आर्टिकल को ही जनरेट करना है, तो उसके लिए आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राइट फॉर मी डॉग एंड लाइन स्टोरी। इसको लिखने के बाद इसको ऐसे एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टोरी जो है वो जनरेट हो चुका है। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से कोई भी एक जो है वो ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एक लाइन जो है वो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बस इतना ही। इसको ऐसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने नेक्स्ट वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम है जहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है वीडियो में। वेबसाइट का नाम है pika.art। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सिर्फ pika आप सर्च करोगे तभी आपके सामने आ जाएगा वेबसाइट। ये वाला वेबसाइट है, सही है, pika.art। इसको आपने ऐसे ओपन करना है। तो चलिए इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है वो साइनअप करना है। ऑलरेडी मेरे पास इसका अकाउंट मौजूद है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको लॉग इन ही कर लेता हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। नीचे आपको एक ज्वाइन बेटा का बटन देखने को मिलेगा। सिंपल से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह, यूज़र नाम वगैरह ऐड करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको एक क्रिएशन का बटन देखने को मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पे जनरेट वन है, जनरेट टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। इन टेन में से आप कोई भी एक जनरेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरेट टेन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जनरेट टेन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो डालना है। प्रॉम्प्ट बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने यहाँ पर स्लैश जो है वो दबाना है। स्लैश ऐड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्रिएट प्रॉम्प्ट का बटन आपको मिलेगा। जो सिंपल से आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही टेक्स्ट जो हमने ChatGPT से कॉपी किया था वही हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करके आपने यहाँ से इसको इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद आपने अपने टेक्स्ट पे ध्यान देना है कि भाई हमारा टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जनरेट करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कमांड है, सही है। अब यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा हमारा वीडियो हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से, हमारे टाइटल के हिसाब से। अभी थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी कमांड से रिलेटेड हमारा वीडियो जो है वो यहाँ पे रेडी है। उसके बाद आप इसको ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद की जरूरत में इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।